जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सपर्ट में। और जो हमारी सीईटी 12th लेवल की जो सीरीज चल रही है, ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के उपनाम। जितने भी पर्वत हैं या नगर हैं या जो भी चीज़ें हैं राजस्थान में, उनके सबके उपनाम क्या हैं। और ये क्लास सिर्फ सीईटी के लिए ही नहीं, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, इवन RAS, सब में उपनाम पूछे जाते हैं। और एक से दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम क्या हैं। और भौगोलिक नाम हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि गिरवा क्या होता है या गिरवा किसको कहते हैं। उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरीनुमा बेसिन जैसी दिखती है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि गिरवा किसको कहते हैं। बोराट या बोराट का पठार किसको कहते हैं, हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में बहुत बार बोराट का पठार, लेकिन कहते किस एरिया को हैं इसमें हम आज भी कन्फ्यूज हैं। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है और गोगुंदा उदयपुर में, इन दोनों के मध्य का जो पठारी भाग है उसको बोराट या बोराट का पठार कहते हैं। लासड़िया का पठार सलुम्बर में, जयसमंद से आगे जो कटा फटा पठारी भाग है उसको लासड़िया का पठार कहते हैं। देसहरो, अब जैसा नाम से पता लग रहा है कि कुछ ग्रीनरी के बारे में है, तो जरगा उदयपुर में स्थित है और रागा सिरोही में। इनकी जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण देसहरो कहलाता है। मगरा, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और शायद RAS में भी पूछा गया था मगरा के बारे में। उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। ऊपरमाल, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है उसको ऊपरमाल कहा जाता है। खेराड़, भीलवाड़ा शाहपुरा और टोंक का वो क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है उसको खेराड़ कहते हैं। और माल खेराड़, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। खेराड़ तो है भीलवाड़ा शाहपुरा और टोंक के का वो क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है उसको खेराड़ कहते हैं। और माल खेराड़, ऊपर माल व खेराड़ क्षेत्र संयुक्त रूप से माल खेराड़ कहलाता है। मालानी, जालौर और बालोतरा के मध्य का भाग है। और मालानी के क्या प्रसिद्ध हैं, तो मालानी के घोड़े प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का भाग छप्पन का मैदान कहलाता है। यह मैदान माही नदी बनाती है, ठीक है। छप्पन का मैदान कौन सी नदी बनाती है, माही नदी। अब जरूरी नहीं है कि आपसे छप्पन के मैदान कहाँ पर स्थित है ये पूछ लिया जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छप्पन का मैदान कौन सी नदी बनाती है या फिर माही नदी इनमें से कौन सा मैदान बनाती है। तो छप्पन गांवों का समूह या फिर जो छप्पन नालों का समूह है, जो भी एग्ज़ाम में आए वो सही होगा, उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। राठ किसको कहते हैं, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, डीग, अलवर और भरतपुर का वो क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगता है राठ कहलाता है। कंठल, माही नदी के किनारे किनारे किनारा जिसको हम कंठा बोलते हैं। प्रतापगढ़ का भूभाग कंठल है, ठीक है। माही नदी के किनारे किनारे का जो प्रतापगढ़ एरिया का जो भूभाग है उसको कंठल कहते हैं, इसलिए माही नदी को कंठल की गंगा भी कहते हैं। बाखर या बाकर, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र है उसे बाखर या बाखर कहते हैं। नेक्स्ट है थली, लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। बीकानेर, पश्चिमी चूरू तथा अनूपगढ़ का क्षेत्र थली क्षेत्र कहलाता है। देवल या मेवलिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है उसको देवल कहते हैं। लिटिल रण, राजस्थान के कच्छ की जो खाड़ी है उस क्षेत्र को लिटिल रण कहते हैं। पुष्प क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र कहलाते हैं। सुजला क्षेत्र, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन और नागौर संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, सुजला क्षेत्र। मालवा का क्षेत्र, झालावाड़ व प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा का क्षेत्र कहलाते हैं। अब है धरियन,
गतिशील रेत के टीले जो मूविंग होते हैं, आज यहाँ है कल यहाँ, कल यहाँ, जो मूविंग रेत के टीले होते हैं उनको राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन। नेहरा वाटी, नेहरा जाटों का जो राज है वो राजस्थान में नरहड और नाहरपुर पर था, इसलिए इस क्षेत्र को नेहरा वाटी कहते हैं, और बाद में इसको नेहरा वाटी से धीरे धीरे ये क्या कहलाने लगा? शेखावाटी। बोमट, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों का आदिवासी क्षेत्र क्या कहलाता है? बोमट। लाठी सिरी क्षेत्र, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जैसलमेर में पोकरण से मेहरानगढ़ तक जो पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भीय मीठे जल की जो पेटी है उसको लाठी सीरीज कहते हैं, और इसके ऊपर कौन सी घास लगती है? तो सेवन घास। ये सीईटी में पूछा भी गया था, इसको अच्छे से याद रखें। बागड़ या बांगर, शेखावाटी व मरु प्रदेश के मध्य जो संकरी पेटी है उसको बांगड़ या बागर कहते हैं। अब ये तो है बांगड़ और ये है वागड़, दोनों अलग अलग हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। वागड़ कहते हैं डूंगरपुर व बांसवाड़ा को, और बांगड़ कहते हैं शेखावाटी में मरु प्रदेश के मध्य जो एक संकरी पेटी है उस संकरी पेटी को बांगड़ कहते हैं। शेखावाटी चूरू, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसको शेखावाटी कहते हैं। मेवात, खैरथल, तिजारा और उत्तरी अलवर का क्षेत्र मेवात कहलाता है। बीहड़, डांग या फिर खदर, चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है। इन गड्ढों को बीहड़, डाग या खदर नाम से पुकारा जाता है। यह क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है, और जो सर्वाधिक बीहड़ हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो हैं धौलपुर में। नेक्स्ट है कुरू, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा और अलवर का कुछ हिस्सा कुरू कहलाता है। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है वो सूरसेन कहलाता है। योद्धे, गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र, जंगल प्रदेश, बीकानेर और फलोदी, गुरुरात्रा, जोधपुर ग्रामीण और जो दक्षिण का भाग है जोधपुर ग्रामीण का वो क्या कहलाता है? गुर्जर रात्रा। फिर है ढूंढाड़, जयपुर ग्रामीण के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़। माल या फिर वल, जैसलमेर का क्षेत्र। सीवी, मेदपाट या प्रागवाट, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसको सीवी या मेदपाट या फिर प्रागवाट कहते हैं। गोडवाड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, गुजरात राज्य के साथ सीमावर्ती क्षेत्र जो है उसको गोडवाड़ कहते हैं। कौन कौन से हैं? बाड़मेर, सांचौर और सिरोही। नेक्स्ट है देवगिरी, दौसा शहर देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। गिहिलोट उदयपुर के आसपास का भूभाग। मछला मगरा, उदयपुर के चारों ओर मछली की आकार की जो विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र है उसको मछला मगरा कहते हैं। सपाड़, सवाई माधोपुर व करौली का जो मध्य प्रदेश से लगता क्षेत्र है वो सपाड़ कहलाता है। नेक्स्ट बरड, बूंदी जिले का पश्चिमी जो पथरीला भाग है उसको बरड कहते हैं। और बीड, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बीड। अनंत गोचर, सांबर से सीकर तक का जो भूभाग है उसको अनंत गोचर कहते हैं। तोरावाटी, कांतली नदी, बेसिन, सीकर जो है उसमें तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण उसको क्या कहते हैं? तोरावाटी। अहिरवाटी, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, अलवर जिले का हरियाणा से लगता क्षेत्र अहिरवाटी कहलाता है। देवड़ावटी सिरोही का क्षेत्र, अरबुद सिरोही का, मालाणी बाड़मेर का क्षेत्र, मेरवाड़ा ब्यावर व राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र, मालवा प्रदेश टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको मालवा प्रदेश कहते हैं, और मगरा प्रदेश राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा को। अब है राजस्थान के प्रमुख नगरों के उपनाम। अजमेर के उपनाम क्या क्या हैं? अंडों की टोकरी, राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का। नाकोड़ा जो बालोतरा में स्थित है उसको राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। सीकर को हाईटेक सिटी, धौलपुर को रेड डायमंड, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट, करौली को वीर प्रसूति भूमि, बारा को लकड़ी की पहाड़ी या फिर घाटियों की भूमि, बीकानेर ऊन का घर,
ऊन से रिलेटेड जो भी आएगा उसमें जवाब आएगा बीकानेर। पुष्कर गुलाबों की नगरी। गालो ऋषि की आश्रम जो गलता जी जयपुर में स्थित है उनको क्या कहते हैं? मंकी वैली। प्रतापगढ़ राजस्थान की राधा नगरी। कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी और राजस्थान का कानपुर। अलवर राजस्थान का सिंहद्वार। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड। उदयपुर झीलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर। पूर्व का वेनिस और फाउंटेन का शहर। ओसिया जो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का भुवनेश्वर। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो। गंगानगर राजस्थान का अन्नागार। करौली डांग की रानी। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। जयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। गुलाबी नगरी, रत्न नगरी और आइलैंड ऑफ ग्लोरी। जालौर ग्रेनाइट शहर और स्वर्ण नगरी। जैसलमेर स्वर्ण नगरी। ये सुवर्ण है और ये स्वर्ण है, दोनों में डिफरेंस है, जालौर और जैसलमेर, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। म्यूजियम सिटी, हवेलियों में झरोखों का शहर, पीले पत्थरों का शहर और गोल्डन सिटी। जोधपुर सूर्य नगरी या सन सिटी। झालरापाटन सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर। टोंक नवाबों का शहर। डीग जो भरतपुर में स्थित है। जल महलों की नगरी। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी। दिवेर मेवाड़ का मैराथन। नागौर राजस्थान की धातु नगरी। पुष्कर तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा और आदि तीर्थ। बांसवाड़ा सोद्वीपों का शहर। बूंदी छोटी काशी और बावड़ियों का शहर। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार और पूर्वी द्वार। भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर। मचकुंड जो धौलपुर में स्थित है। तीर्थों का भांजा। माउंट आबू राजस्थान का शिमला और हिंदू ओलंपस। रणकपुर पाली में स्थित है, हजार खंभों का नगर। रावत बाटा चित्तौड़ में स्थित है, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की अणुनगरी। रेड जो सभ्यता है उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ें। प्राचीन भारत का टाटा नगर। सांचौर राजस्थान का पंजाब। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपली। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति एक्सपर्ट के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। आप इसको 5-6 बार 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 पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के उपनाम। अजमेर का जो दुर्ग है उसके उपनाम क्या हैं? गढ़बीठली, तारानगर, अजय मेरु दुर्ग और पूर्व का जिब्राल्टर। जो तारागढ़ है और गढ़बीठली है ये दोनों अलग अलग बार सीईटी एग्जाम में पूछे गए थे कि इनमें से किस दुर्ग को तारागढ़ कहते हैं या गढ़बीठली कहते हैं। अजय मेरु दुर्ग भी पूछा गया है कई बार, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। अलवर का किला बाला किला। अकबर का किला किसको कहते हैं? मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं इसको और दौलत खाना भी कहते हैं। चोमू का जो दुर्ग है उसको क्या कहते हैं? धारदारागढ़ या चोमुहागढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? गढ़ों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव और चित्रकूट। हनुमानगढ़ का किला भटनेर दुर्ग। जयगढ़ चिल्हे का टीला। जोधपुर का किला मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़चिंतामणि। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलमेर का किला। मंडोर का किला मांडवेपुर दुर्ग। नागौर दुर्ग, नाग दुर्ग, अहि छत्रपुर का किला, ये इम्पोर्टेंट है इसको आप याद रखें। भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का वेलोर। शिवाना दुर्ग, कुमथाना दुर्ग या अणखिला किला। नीमराणा का किला पंचमहल दुर्ग। तिमनगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़। आबू का किला अचलगढ़। भरतपुर का किला लोहागढ़। बयाना दुर्ग, विजय मंदिर गढ़ या बादशाह दुर्ग। बीकानेर का दुर्ग जूनागढ़। बूंदी का किला तारागढ़। ये तारागढ़ इसको भी कहते हैं
और जो अजमेर में स्थित है अभी आपने देखा, इसको भी तारागढ़ कहते हैं। गागरौन, दूलरगढ़ या डोडगढ़, जैसलमेर दुर्ग, सोनगढ़, सोनारगढ़ और त्रिकूट दुर्ग, जालौर दुर्ग, स्वर्ण दुर्ग या फिर सोनलगढ़, मेड़ता दुर्ग को क्या कहते हैं, मालकोट का किला और मेडनतकपुर दुर्ग, मिठड़ी का किला, मांडवेपुर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, सुलक्षण दुर्ग, सुदर्शनगढ़, नौ महलों का दुर्ग, टाइगर किला, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, महलों का दुर्ग और मिठड़ी का किला, शेरगढ़ दुर्ग जो बारा में स्थित है, कोसवर्धन दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, मेवाड़ की आंख, ये कुंभलगढ़ में स्थित है। बाड़मेर दुर्ग, किलोनगढ़ दुर्ग और वल्लभगढ़ दुर्ग, कुंटाला का किला। नेक्स्ट है राजस्थान की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में, हर्ष पर्वत सीकर में, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में। अब हर्ष पर्वत तो सीकर में है और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बीजासन दुर्ग, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, चिड़िया टूक की पहाड़ी, मेहरानगढ़, जोधपुर, नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ, बालोतरा के सिवाना, ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ कहलाता है। बीठली या बीड़ की, तारागढ़, अजमेर, त्रिकुट पर्वत, जैसलमेर, सोनारगढ़ व करौली, कैला देवी मंदिर, सुंधा पर्वत, भीनमाल, जालौर, इस पर्वत पर सुंधा माता का मंदिर है और इस मंदिर में राजस्थान का पहला रोपवे लगा था और दूसरा रोपवे कहाँ लगा था, उदयपुर में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, कोटा व झालावाड़ के बीच, आडावल या आरावल, विंध्याचल पर्वत के विस्तार, जो विंध्याचल पर्वत का विस्तार है उसमें बूंदी से सवाई माधोपुर तक की जो पहाड़ियाँ हैं उनको आडावल या अरावल की पहाड़ियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के प्राचीन नगरों के वर्तमान नाम, पहले उनके नाम क्या थे और अब क्या है। वृंदावती अब बूंदी है, खिचीवाड़ा अब झालरापाटन है, आलोर अब अलवर है, उपकेशपट्टन अब ओसिया है, उम्मीदपुर की छावनी अब झालावाड़ है, कोंकण तीर्थ अब पुष्कर है, कोठी अब धौलपुर है और सुनहरी कोठी पूछा जाए तो टोंक है, खिजराबाद अब चित्तौड़गढ़ है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ को जो है खिजराबाद नाम किसने दिया था, ठीक है, देखें आपने कितनी जीके तैयार की है, गोपाल पाल या कल्याणपुरी, करौली, चंद्रावती अब सिरोही और आबू व आसपास का क्षेत्र है, अजय मेरू अब अजमेर है, अही छत्रपुर अब नागौर है, चुंगेर अब अनूपगढ़ है, वीरभान का वास अब सीकर है, आश्रम पट्टन केशोरायपाटन है, अर्जुनायन अब अलवर और भरतपुर है, जयनगर जयपुर है, जाबलीपुर या जालहूर अब जालौर है, ताम्रवती नगरी अब आहड़ है, देवांश देवनशा और देवसा अब दोसा है, ब्रजनगर अब झालरापाटन है, बटनेर अब हनुमानगढ़ है, मांड स्वर्ण नगरी और वल्ल प्रदेश अब जैसलमेर है, माध्यमिका अब नगरी है, ये चित्तौड़ के पास स्थित है, मेदिनीपुर अब मेड़ता है, रातीघाटी बीकानेर, रामनगर अब गंगानगर है, विजयावल्ली अब बिजोलिया है और विराटनगर अब बैराट है, शाकंबरी या स्पाद लक्ष्य सांबर व आसपास का क्षेत्र है, शिवपुरी अब सिरोही है, श्रीपंत या सोनितपुर अब ब्याना है, श्रीमाल भीनमाल, संग्रामपुरा, सांचौर और सत्यपुर, सॉरी ये सांगानेर और सत्यपुर अब सांचौर है। तो ये थी जानकारी राजस्थान के उपनाम व प्राचीन नाम के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति एक्सपर्ट के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इसके ऊपर आपकी जो भी न्यूज़ हैं, अपडेट हैं,
या जो भी पीडीएफ है वो सभी इसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर के माध्यम से बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आप सभी का धन्यवाद।